Subscribe the channel and press the bell notification icon. तमन्ना पाटिया प्रभु देवा नाल सुपर हिट फिल्मा करन तो बाद हुण एक बार फिर वड्डे पर्दे ते नजर आवेगी। जी हाँ, तमन्ना पाटिया दी खामोशी फिल्म आ रही है। यह फिल्म थ्रिलर होवेगी ते फिल्म विच तमन्ना पाटिया नाल प्रभु देवा, भूमिका चावला ते संजय सूरी भी दिखाई देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद तमन्ना पाटिया। तमन्ना जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपकी और एक मूवी आ रही है खामोशी। जी, मेरे लिए आई थिंक खामोशी में बहुत ताकत होती है। इट्स नॉट ईजी टू बी यू नो टू कीप योर इमोशंस टू योर सेल्फ, टू नॉट स्पीक व्हेन यू वांट टू स्पीक। तो वो एक किस्म से लोगों के नज़र में शायद वीकनेस हो, बट एक्चुअली होती ताकत है। जी, ट्रेलर हमने देखा, बहुत ही ऐसे सस्पेंस, काफी जी थ्रिलर है। यू नो व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज दिस फिल्म इज एन आउट एंड आउट थ्रिलर। यू नो इट्स नॉट लाइक इट्स अ फिल्म दैट विल कीप यू एट द एज ऑफ योर सीट्स फॉर द 2.5 hours दैट यू आर इन द फिल्म थिएटर। एंड नॉर्मली जब भी हमने इंडियन फिल्म्स में थ्रिलर्स देखे हैं तो उसमें या तो कोई कभी सॉन्ग ऐड हो जाता है या तो कुछ कॉमेडी ट्रैक ऐड हो जाता है, लाइक दिस इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द फिल्म, यू नो। सो बट आई एम रियली हैप्पी दैट अभी वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। लाइक रिसेंटली आप कोई भी थ्रिलर देखिए, लाइक अंधाधुन हो या बदला हो, पीपल आर वॉन्टिंग टू वॉच स्ट्रेट अप थ्रिलर्स। सो आई एम हैप्पी दैट दिस इज़ वन ऑफ दैट। प्रभु सर और मैंने इसके पहले दो फिल्में की है, बट ये फिल्म हमारे लिए बहुत ही अलग है। मतलब हम जिस किस्म के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इट्स लाइक अ वेरी रॉ रियल लुकिंग पीपल एंड द सिचुएशंस आल्सो वेरी रियल 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 लाइफ लाइक, क्योंकि हाउस इन्वेजन पे बहुत सारे फिल्म्स नहीं बने हैं इंडिया में। तो आई थिंक दिस इज एक्साइटिंग टू वॉच। तो हमेशा माना कि ये ट्रेंड चेंज करने वाली मूवी होगी जिस तरह से ये मूवी बनी है, क्योंकि जैसा कि आपने ये बताया कि इस तरह की फिल्में बनती नहीं है। जी, I think it should just be a good film. I mean, that's what we've hoped and we wish to make it as. I think kitna wo asar dikha payegi wo to once it's in the film theaters, I guess we'll all get to know. And Devi 2 bhi humne dekha release. Ji, it got a release on the 31st and abhi Khamoshi is releasing on the 14th of June. So yeah, it's back to back releases and it's really nice for me because तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, इन तीनों भाषाओं में मेरी फिल्में रिलीज हो रही हैं। सो इट्स अ टाइम, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन। सो ये जो डेट चेंज हो चुकी है जी, 14th of June, ये भी सेम रिलीज होने वाली है, आपको लगता है कि ऐसे कुछ मतलब ये अच्छा हुआ एक तरह से, कि आप बताइए आप? आई मीन जो फिल्में बनाते हैं और जो फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये उनका डिसीशन होता है कि एक फिल्म किस दिन पर रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उनको मार्केट का एक तकाजा होता है, दे नो वॉट टू डू। सो हमारा काम एज एक्टर्स इज़ टू डू द वर्क, बी एक्ट इन द फिल्म, टॉक अबाउट द फिल्म एंड द रिलीज डेट इज़ आई थिंक समथिंग दैट दे अंडरस्टैंड बेस्ट एंड आई एम श्योर ये अच्छी के लिए, हमारे अच्छे के लिए किया गया है। कैरेक्टर की अगर हम बात करें जो कि म्यूट कैरेक्टर है, इसके लिए मतलब हम और आप कोई भी इंसान नॉर्मल लाइफ में ढेर सारी बातें करते हैं। जी जी जी, तो इसके लिए कितना आपने कितना साइलेंट अपने आप को रखती थी सेट पर, या एक्सपीरियंस अगर आप कुछ हमें बता सके? यू नो मुझे सिर्फ 4-5 दिन लगे बॉडी लैंग्वेज को प्रेप करने के लिए, बिकॉज जो जैसे हम साउंड से रिएक्ट करते हैं या हम कुछ कहना हो तो फेशियल एक्सप्रेशंस एक किस्म के होते हैं, बट जब आप बात नहीं कर सकते और आप सुन नहीं सकते, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अलग होते हैं एंड आपका रिएक्ट करने का टाइमिंग बहुत अलग होता है। तो ये समझने और सीखने के लिए मैंने कुछ 4-5 दिन बिताए एंड ऑल्सो उसी टाइम में मैं साइन लैंग्वेज भी सीख रही थी, बिकॉज इस फिल्म में साइन लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। सो सो दैट ट्रेनिंग वॉज अ पार्ट ऑफ यू नो द प्रेप दैट आई हैड टू डू एंड देन वी हैड समवन ऑन सेट जो देखते रहते थे मेरे बॉडी लैंग्वेज को कि क्या करेक्ट है, इज़ इट नेचुरल फॉर दिस कैरेक्टर टू बिहेव लाइक दैट। एंड या आई मीन इट्स वेरी नाइस टू वर्क विद चक्री तोलेटी सर, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, एंड प्रभु सर और उनका कॉम्बिन, हम सभी बहुत ही, हमने एक्चुअली बहुत ही इन्जॉय किया ये फिल्म शूट करते हुए। हम आपके कैरेक्टर पर अगर आए तो थोड़ा सा और आप हमें थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि ट्रेलर से मतलब से ये नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा। द आइडिया इज़ टू जस्ट लाइक टीज यू बट नॉट रियली टेल यू मच अबाउट इट। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि यू नो हम कितने भी वल्नरेबल दिखें,
लेकिन अगर हमारे लाइफ में ऐसा कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बात हो, आई थिंक पीपल रिएक्ट इन द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वेज. सो ये किरदार उस किस्म का किरदार है जो दिखने में बहुत वल्नरेबल है, बट वो एक ऐसे सिचुएशन में होती है कि शी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग एंड शी हैज़ टू फाइट बैक. तो वो उसका प्रदर्शन ही आई थिंक इज वॉट एसेंशली द कैरेक्टर इज. एंड प्रभु देवा जी के साथ में जब जब आप फिल्में करती हैं तो क्या कुछ फीलिंग होती है, क्योंकि उनके साथ में जब भी फिल्में होती है, किसी की भी फिल्में हैं, तो लोग ऐसे थिंकिंग करते हैं कि डांस तो जरूर होना चाहिए. बिल्कुल. एक्चुअली ये फिल्म ऐसी थी कि इस फिल्म में कोई भी स्कोप नहीं है डांस का, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिडंट इवन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये फिल्म का मज़ा ही ये है कि वो एक पेसी थ्रिलर है कि एक सीन के बाद दूसरा क्या हो रहा है. यू नो इट्स वेरी लाइक यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग. तो उस बीच में अगर गाना आ जाता है तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है. बट येस ऑफकोर्स प्रभु से होते तो वो मन करता है कि एक गाना हो. बट आई थिंक इस फिल्म में हम दोनों के इतने मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं कि आई एम होपिंग किसी को वो कमी महसूस नहीं होगी. अगर 14 दिन की अगर हम बात करें आपकी फिल्म एंड तब से पहले उनकी भी फिल्म आ रही है और आई थिंक उनकी भी फिल्म बाय लैंग्वेज है, आपकी भी है. सो यस आज इज तमिल एंड या या बट आई एम वी आर नॉट देयर इन द तमिल वर्जन. तो मैंने और प्रभु सर ने तमिल वर्जन नहीं किया है स्ट्रेंजली इनफ, बट देयर इज नयनतारा हूज इन द तमिल वर्जन एंड तापसीज केस हर तमिल एंड हर हिंदी वर्जन इज द सेम एक्टर. आई फील लाइक अगर जो फिल्म अच्छी होती है लोग वही देखने जाते हैं. यू नो आप कितना भी कॉम्पिटिशन के बारे में सोच लो या नहीं सोचो, एट दी एंड बड़ी फिल्म छोटी फिल्म ऐसा कुछ रहा नहीं है अभी. इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग गुड कॉन्टेंट. अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो लोग देखने जाते हैं. इसके अलावा और जो आपकी अपकमिंग फिल्में आ रही हैं तो उसके बारे में? सो आई एम वर्किंग ऑन सायरा जो एक पैन इंडिया फिल्म होगी एंड दिस चिरंजीवी सर इज प्लेइंग द यू नो इज प्लेइंग सायरा एंड देयर इज अमित जी इन द फिल्म. एंड After Bahubali, I was very like, you know, on the edge whether I should do a period film or not, because मैं जानती हूँ कि एक sense of comparison तो आना ही है. So, but when Saira came along my way, I realized that it's a completely different era. It's pre-independence. And these are all real characters who've been there. And जो मेरा look है इस film के लिए, I have never enjoyed dressing up so much for a film. जितना मैंने इस फिल्म में किया है. एंड इस किरदार में सच्ची में वो डेप्थ है. इट्स नॉट जस्ट द वे द कैरेक्टर लुक्स बट ऑल्सो यू नो रियली रियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट सायरा. आई एम ऑल्सो डूइंग अ फिल्म विद विशाल विच इज़ अ तमिल फिल्म. इट्स आउट एंड आउट एक्शन अर्बन एक्शन फिल्म एंड आई एम ऑल्सो डूइंग एक्शन इन इट. सो इट्स यू नो इट्स नॉट लाइक बींग द डैमजल इन डिस्ट्रेस. इट्स यू नो अबाउट फाइटिंग अलॉन्ग साइड एंड yeah and it's fun urban action. And I'm doing a film called Rajugari Gadi 3, that's a Telugu film. And I'm doing the remake of Anando Brahma, which was a film which Tapsi had done in Telugu, wo Tamil mein. So there's a lineup. To kafi busy schedule rehne wala hai aapka? trying to keep it busy. Okay, to ye 14th of June ka kitna besabri se intezar hai Tamanna ji? बिल्कुल बहुत इंतजार है. एंड आई होप सभी ऑडियंसेस में 14 जून जाइए, फिल्म थिएटर में एंजॉय करिए, बिकॉज ये फिल्म थिएटर में देखनी जैसी फिल्म है. कुछ फिल्में आपको वो एम्बियंस क्रिएट करके देती है जिसमें वो एक्साइटमेंट हो, जिसमें वो थ्रिल हो. सो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म इन द थिएटर्स. थैंक यू गुड लक.